नाज़रीन, आज देरीना दोस्तों के दरमियान गपशप की एक महफिल सजी है। आइए आपको दिखाते हैं इसका एक मंजर। यार ये मुबशर नजर नहीं आ रहा, ये हमें बिठा के खुद किधर निकल गए? किधर जाना है? गया होगा कहीं खाने का इंतजाम करने के लिए। लो बिल्ली के ख्वाब में छिजड़े। यार परवान तुम्हें और कोई चीज नजर नहीं आती यार? कोई ड्राइवर पंचर टायर बदलने के लिए क्यों ना उतरे? परवान समझता है कि कुछ खाने के लिए लेने के। कोई दफ्तर से लेट हो जाए सही, इसको यही शक होता है कि खाने के लिए रुक गया। ओ यार मैं ता मुबशर को आखाई कोई हल्का फुल्का खावण दा इंतजाम कर गिनिया, जिवें यूरोप दे विच लोडेड फ्राइज नहीं मिलदे ओए मंगवा गिनना। जी माइयो साहब, लोडेड फ्राइज इत्थे भी मिलदे ने, पर तुसी हर गल च यूरोप जरूर पाना हुंदा। बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, इसने हर बात में यूरोप का जिक्र जरूर करना होता है। बैठो। जैसे हर हांडी में आलू डाल जाते हैं ना, जी जी, उसी तरह इसकी हर बात में यूरोप जरूर डलता है। भाई जी कहाँ हैं? बस यार मैं जैसे यूरोप में सैर किया करता था वैसे ही इधर सैर कर रहा हूँ। यार फोन क्यों नहीं थे उठा रहे? ओ यार वो जो यूरोप से चार्जर लेके आया था ना, उसके साथ चार्जर पे लगाया हुआ है। तो कहाँ जा रहे हो यार? जैसे यूरोप में वॉशरूम जाते ना ऐसे जा रहा हूँ। यार कमाल गाल है, सारी जिंदगी जो यूरोप से निकली है तो दिमाग चो कि में निकल सकते। कैसे यूरोप ने तुम्हें निकाल दिया? ये को बात है करने वाली, जैसे यूरोप में वॉशरूम जाता था वैसे ही वॉशरूम जा रहा हूँ। यूरोप में क्या पुठा लटक के वॉशरूम जाते? यार मैं हमाइयों को चिपका दड़का ही नहीं। जब आ गए हो तो बस इधर की बात करो आप। बिल्कुल यूरोप 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 सुन सुन के हमारे कान लाल हो गए। सारी जिंदगी इसने भैंसों में गुजारी है, अभी ये अपनी किसी बात में भैंस के जिक्र करता है? अल्लाह वो क्या पंजाबी में कहावत है कि मज्जां मज्जां दियां भैणां हुंदियां। ये तो गल बनी है ना, मज्जां मज्जां दियां भैणां ने, जुआं भी जुआं दियां भैणां हुंदियां ने। यार जूं तो मेरे को याद आया, चट्ठा नजर नहीं भी आता पिया, कितना इलेक्शन की कंपेन वास्ते तो नहीं निकल आया। पहली बात तो ये है कि तुम्हें जून से क्यों याद आया है? पतला जे रे छोटा जे है। नहीं ऐसी भी कार्च बिल्ली रखी है, ऐसी कभी उन्हें देख के तेरे नू याद की था? मेरा तो हेयर स्टाइल ही वैसे सही, तो बिल्ली का अंदाजा लाया उसी। ओ चट्ठा बेचारा बीमार है जरा, अस्पताल था। अच्छा। हाँ अब शुक्र है ठीक हो गया, घर चला गया। बेवकूफ आदमी भाई, जो उम्र है उसके हिसाब से जिंदगी गुजारो, अपना रहन सहन बदलो ना। वो नियारी खानी छोड़ता है ना बॉम्ब खानी छोड़ता है, ऊपर से सिंगल पसली है बेचारा। वो खा के बीमार हो गया, पता नहीं उसे क्या हुआ हुआ था, आखिर उसे अस्पताल लेके गए और सुना है को दो दिन तो डॉक्टर ने टीका लाने वाली था ही नहीं सी लग रही। यकीनन उन्हें मुंह च ड्रॉप्स पाए हो सन। नहीं यार डॉक्टर डॉक्टर होते हैं, जगह ढूंढ ही लेते हैं। चलो यार यार दा पता करने आ, सब भी आ यार अस्पताल च नहीं देखना चाहते। खाना पीना एज के हिसाब से होना चाहिए क्यों बशर? जी 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 याद है तुम्हें मैं शर्त लगाकर चाय पी के ऊपर से धुआना खा लेता था। अच्छे कुत्ते पत्थर लकड़ सब हजम हो गए। मुझे अच्छी तरह याद है वो अफजल की बेटी की शादी पे गए थे, चाचा अफजल होता था जो, उसकी बेटी की शादी थी, उधर जाके मलक ने ओए होए होए कहता है भाई डिशे प्लेटें छोड़ दो, मुझे ये बताओ देख किधर पड़ी हुई है। पूरी गल नहीं दिसे दबे याद है, मेरे को देख दे मुंह ते कराओ। नहीं वैसे वो कल्ला नहीं था, सारों ने बड़ा खाया। भाई मैं माजरा चाहता हूँ आपकी गुफ्तगू में मैं दखल अंदाजी कर रहा हूँ, वो उम्र आप लोगों की ऐसी थी कि देख से खा लिया करते थे, अब ऐसा करेंगे तो देख में ही गिर जाएंगे। वैसे यार फरीद गाल सही करेंदे पे, हुन वाकई उम्र ही हो जाएगी, एक बोटी नाल घंटे घंटे अटके लिया करेंदे रानिया। वो जैसे छोटी बिल्ली को बड़ी बोटी डाल दे तो वो बेचारी 10-15 मिनट उसके साथ खेल घूल के चली जाती है। असल बात तो ये है कि अब वो जवानी वाली बात नहीं रही, जैसे जवानी में अन्ने वाह खाते थे ऐसे अब नहीं खाया जाता। ओ यार मुबशर ये गाल ना कर, जवान तो ऐसा हूं भी हां। लो ओ यार तुम तो जवान इसलिए हो कि यूरोप में अभी तक जवान होते हैं। वैसे जितना मर्जी छुपाए माइयो साहब,
हकीकत हकीकत ही होती है। अब वो बात नहीं है जैसे जवानी में खाने के हुंजे फेर देते थे। ओए नहीं वैसे ऐसी बात नहीं, मलक तो अब भी हुंजा स्पेशलिस्ट है। अरे आप लोगों को याद है एक दफा एक होटल में बूफे खाने गए थे, हाय हाय हाय, को डेढ़ को घंटे बाद वो बेचारा होटल का मैनेजर आया और हाथ जोड़ के कहता है भाई जी बिल बेशक एक रुपया ना देना है तो निकल जाओ। बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद है, मलक तो इस शर्त पे उठने के लिए तैयार हुआ था कि एक प्रात गजरेले की खा के उठेंगे। वो होटल वालों ने अपने सारे वेटरों को अपने गार्डों को हमारी तस्वीरें दे दी थी। जो मर्दी हो गया होटल च नहीं बढ़ने चाहिए। माय गॉड क्या दौर था यार, यार जवानी जवानी होती है। आए, आए। चावलों पे चाय डाल के खा लेते थे, पर्दे पे सालन डाल के खा लेते थे। सालन दरअसल लेट होता था तो बुरकी में चावल भर के खा लेते। वही लक्कड़ अजम पत्थर अजम। बिल्कुल बिल्कुल फरीद साहब, ये माइयों साहब जो अब यूरोप 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 करते हैं। मैं एक वक्त में इनके घर गया तो कॉफी में मूली डुबो डुबो के खा रहे हैं। ओ यार मैं को कहीं ने आका कि काफी गर्म होती है ते मैं को ये पता ही कि मूली ठंडी होती है, मैं क्या काफी दे भी डोब के खासो तो बैलेंस थी वैसी। वो मेला देख के आना कतलमा बचना तो सुबह ठंडा होया वो खा लेना कतलमा। मुझे कतलमे से याद आया, याद है एक दफा मेला लगा हुआ था हमारे गांव में, सारे दोस्त गए थे उधर। क्या जा ये मलक साहब उधर वो कतलमा तकरीबन इस टेबल जितना होता था। क्या जा एक कतलमा खा के कहता है यार मजेदार है चार और ला दे। चार और? जी जी जी। वो कतलमे वाला बेचारा उधर दिल करे कढ़ाई चाप डिग पाओ। और मुबशर तुम्हें ये भी याद होगा कि मलक का ख्वाब ही रहा कि मेले में पड़ा हुआ भारी पत्थर मैं उठाऊं, वो पत्थर नहीं से उठाया गया, बूढ़ा हो गया। एक दफा तो उठा लिया था पीछे गिर गया। तो उठाया कैसे जाता, जाते ही तो कुछ ना कुछ खा लेता था। आयामी फजूल गल्ला ना करो, तीन बारी चुके सी मैं। यार मलक अपनी बारी सीरियस ना हो जाए कर। मतलब इधर बैठ के सारे दोस्त क्या कहें कि जी मलक साहब जो पिंडी कमिश्नर लगे सन या की उन्होंने दसी है कि मलक साहब ओलंपिक में जब गए थे 100 मीटर की दौड़ में, भाई जो तू करता रहा वो ये गल्ले कर रही है। या क्या तुम्हारे मतलब बात करें कि एक दफा अलमरा में मलक की पेंटिंग की नुमाइश लगी थी। ऐसी गल ना करो, मलक हमेशा साको खालिस दूध पियांदा है, घर वाले को पानी पा के पूरा करके देता है। और नाम रादो तो अनु कारालय तो ज्यादा प्यार कीता है उसे है ही नमक राम। ओ बस भी बस मलक तप गया और बस। सलाम अलैकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी। और ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह भाई नफजल ठीक है आप? हां जी शुक्र है अल्लाह पाक का। बड़ी मेहरबानी। वो पता चला चट्ठा बीमार था। हां जी वो चट्ठा साहब बीमार थे तो वो कह रहे थे यार मेरी जगह तू चला जा, तेरा दोस्तों से मिला खुश हो जाएंगे बेचारे। बड़ी मेहरबानी। तो क्या हाल है उसका अब? पता नहीं क्या खा लिया, डायरिया सा हो गया उसे, बस एक दिन अस्पताल रहा फिर आ गया था। अच्छा चलो अल्लाह पाक रहमत करे। देखिए क्या नाजुक दौर आ गया यार, चट्ठे भी बीमार होने लगे हैं।